अंशुमन चलो ना, ये देखो यहाँ तो अंशुमन, यहाँ पे कपड़ों की क्या वैरायटी मिलती है मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती, और क्लोथ्स की तो बेस्ट 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 ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन काजल मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ भी अच्छा मिलता होगा, वैसे तुम्हें यहाँ से लेना क्या है? वाक्षी मुझे मम्मा के लिए एक साड़ी लेनी है, मुझे शगुन में कुछ पैसे मिले थे और मैं चाहती हूँ कि मम्मा के लिए उन पैसों से कुछ गिफ्ट खरीदूं। वैसे काजल एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं बोलो ना। क्या है ना, अब तुम अंशुमन शर्मा की होने वाली वाइफ हो, तो तुम्हें ऐसी छोटी मोटी दुकानों से थोड़ी मैं शॉपिंग करने के लिए दूंगा। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक अच्छे से शोरूम में लेके चलता हूँ, आ जाओ। लेकिन अंशुमन मैं हमेशा यहीं से ही शॉपिंग करती हूँ। हाँ तो आज मैं तुम्हें यहाँ से शॉपिंग नहीं करने दूंगा, आज तुम्हें मेरे फेवरेट डिजाइनर के शोरूम से ही शॉपिंग करनी होगी, अब चलो। पर कहाँ? जस्ट वेट एंड वॉच, आ जाओ। अरे अंशुमन। अरे चलो तो सही। अंशुमन आ जाओ। वेलकम सर। वेलकम मैम। हाय। अरे वाह अंशुमन, यहाँ तो एक से बढ़कर एक साड़ियाँ हैं। है ना? अब काजल तुम्हें इस शॉप में जो भी पसंद हो प्लीज पिक इट अप। एक्सक्यूज मी। यस मैम। इसका क्या प्राइस है? ये 10,999 मात्र। एक्चुअली मैं सिर्फ इस साड़ी की प्राइस पूछ रही हूँ, पूरे पुतले की नहीं। मैंने साड़ी कहीं बताया मैम। अच्छा तो आप मुझे स्टार्टिंग रेंज में क्या साड़ियाँ मिलेंगी वो बता दीजिए। ये सबसे लोअर रेंज की साड़ी है, 10,000 से लेकर के 1,00,000 तक की रेंज की साड़ियाँ हमारे पास हैं। क्या? काजल एक्सक्यूज मी। यस सर। काजल क्या कर रही हो तुम? जो भी ये साड़ी है जस्ट पसंद कर लो ना, प्राइस क्यों पूछ रही हो? अंशुमन मेरे पास सिर्फ 3,500 रुपए है, मुझे इसी बजट में मम्मा के लिए कुछ खरीदना है। काजल जो भी अच्छा लगे ले लो, पैसे की टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, आ जाओ। कम कोई अच्छी सी एकदम लेटेस्ट कलेक्शन की साड़ी दिखाइए ना। या दिखाता हूँ। काजल तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? बस तो फिर टेंशन मत लो, जो भी अच्छा लगे ले लो। ये देखिए सर, मार्केट का लेटेस्ट कलेक्शन। हाँ ये बहुत अच्छी है। हे भगवान, अंशुमन चलो यहाँ से। क्या 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 हुआ? क्या काजल क्या बात है? अंशुमन मैं पहली बार अपनी मम्मा के लिए कुछ खरीद रही हूँ, और मम्मा ने मुझे हमेशा कहा है इंसान को पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी लंबी उसकी चादर हो। यहाँ से नहीं खरीद सकती मैं, चलो। देख तो लो, अच्छी साड़ी है। अरे आप? आप भी यहीं से शॉपिंग करते हैं? हमारी पसंद कितनी मिलती जुलती है, राइट? हाय, रिया अग्रवाल, अंशुमन की कजिन। ओह हाँ, याद है। हाय मैम। रोचक, नाम सुना है मैंने आपका। जी। तू तो अंशुमन की बहन है ना? मेरा नाम रिया है नानी, मेरी अपनी खुद की आइडेंटिटी है, जैसे इनकी है। ऑथर ऑफ इंडियाज टीनेज बेस्ट सेलर प्यार का बुखार, रोचक शिवहरे। नाइस टू मीट यू, मिलते रहिएगा। जी सेम यू। नमस्ते, बाय। अरे ओ रोचू, हमें तो लगता है ये मुड़ी तुझ पे लट्टू हो गई है। इसकी मताई कौन है पता है ना? हमारी बिन्ना की फूफिया सास है, बहुत ही खतरनाक है। वो क्या कहते हैं, गजब। अरे क्या नाम है यार, कुछ भी, किसी के साथ कोई भी कनेक्शन जोड़ रहे हो आप मेरा। आपकी शॉपिंग हो गई ना, चले घर। लो नानू मुझे। अरे ऑटो। अरे अरे नानू, रोचू। काजल तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो शॉपिंग करने आई हूँ, चलना मेरे साथ। अरे नानू। नानू अब घर चली जाएंगी ना? हाँ हाँ, मेरी चिंता मत करो। अच्छा मैं पैसे दे देती हूँ। अरे छोड़, तू जा, मैं पैसे दे दूँगी। जा जा जा। ओके बाय नानू। बाय नानू। चल चल चल। अरे रुकना, लेकिन मैं क्यों चलूँ तेरे साथ?
उस दिन तो बड़ा भाव खा रही थी कि मैं अकेले सब कुछ कर लूंगी और पता नहीं क्या क्या। हाँ, और हाँ वो है ना तेरा गबरू अंशुमन, उसको लेके जा, मुझे क्यों लेके जा रही है यार? तू अंशुमन से इतना क्यों चिढ़ता है? जलन होती है क्या तुझे उससे? पागल हो गया, मजाक कर रहा था मैं। लेकिन मैं तो सीरियस हूँ रोचू, अंशुमन के साथ मैं शॉपिंग जा ही नहीं सकती। इतनी महंगी महंगी दुकान लेके जाता है कि पूछ मत, मेरी पूरी शॉपिंग का बजट ना एक ही आइटम पर खत्म हो जाएगा। बजट को तो देखकर ही चलना पड़ेगा ना रोचू, इसे मैं उसे घर बेचकर यहाँ चली आई। अच्छा हुआ तू मुझे यहाँ मिल गया, चल शॉपिंग करते हैं। ठीक है चल वहाँ चलते हैं। अरे नहीं नहीं एक मिनट, वो देख वहाँ वहाँ चलते हैं। काफी गहरी दोस्ती लगती काजल भाभी की ऑथर साहब के साथ। लेट्स गो सोनिया। कब? नहीं दी, आप ही जाइए, मुझे उसकी शक्ल देख के बहुत इरिटेशन होती है। लेकिन सोनिया मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ चलो, ताकि जब मैं काजल और उसकी फैमिली की इंसल्ट करूं तो तुम अच्छे से एंजॉय कर सको। नहीं दी प्लीज, मैंने अभी अभी अपने फेस का ट्रीटमेंट कराया है और मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे डस्ट से दूर रहने के लिए कहा है। यहाँ बहुत धूल मिट्टी है, बहुत गंदा है, आप ही जाइए, मैं यहीं रहती हूँ। ओके फाइन, आई जस्ट कम। ये सब यहाँ क्यों ले आए बेटा? अरे नानी, लाना ही पड़ेगा ना, अब काजल का बराबर का जो हक है। ये लीजिए तानिया जी, आपकी पसंदीदा कैपेचिनो, इस बार मैंने शक्कर भी कम डाली है। सुनहरी, कॉफी के साथ कुछ लेकर नहीं आई? बुरा मत मानेगा जीजी, पर घर में खाने के नाम पे तो बस मिठाई ही है, और वो इन बड़े लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। अब कॉफी में भी तो शक्कर कम लेते हैं ना, तो फिर मिठाई कैसे खाएंगे, है ना तानिया जी? राइट मामी। तानिया बेटे बाहर से कुछ मंगवा ले? नहीं आंटी, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, आप आराम से बैठिए। ये देखिए ना, हम गिफ्ट्स देखते हैं, ये एंगेजमेंट में मिले हुए गिफ्ट्स हैं, तो मैंने और बुआ ने सोचा कि क्यों ना आपके यहाँ ये सब साथ में देख ले। अब कौन सा नया नाटक करने वाले हैं ये लोग, हे भगवान, सब संभाल लेना बस। कैसा है आंटी, अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। ये वर्मा अंकल ने भेजा है कैनेडा से। वाओ, देखिए ना आंटी कैसी है ये इयररिंग्स, अच्छी है ना? ये भेजा है शुक्ला जी ने यूएस से। अशोक सिन्हा, सिन्हा अंकल तो ऐसे गिफ्ट नहीं भेज सकते। आंटी आपके रिलेटिव्स में कोई है क्या अशोक सिन्हा? क्योंकि हमारे सिन्हा अंकल तो ऐसा सस्ता और घटिया गिफ्ट नहीं भेज सकते हैं। एक गिफ्ट की कीमत कभी भी पैसों से नहीं तोली जाती है तानिया दी। गिफ्ट्स तो अनमोल होते हैं ना, और ये तो एक फोटो फ्रेम है मेमोरीज को सजा कर रखने के लिए, और मेमोरीज प्राइसलेस होती है। तानिया दी आप तो जानती है ना कि मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ, मेरी फैमिली भी मिडिल क्लास है, तो फिर ये सब बातें क्यों हो रही है? हमें तो कोई शर्मिंदगी नहीं है इस बात से, इनफैक्ट हमें तो गुरूर है इस बात का कि हम मिडिल क्लास हैं। लेकिन अगर आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम है ना, तो फिर आप यहां से जा सकती हैं। काजल, लोग मिडिल क्लास लोगे तो गिफ्ट्स भी मिडिल क्लास ही आएंगे ना, आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है काजल, अगर तुम चाहती हो तो मैं चली जाती हूँ। आई स्वेयर मैंने काजल को कुछ भी गलत नहीं बोला है, मैं सही बात को बढ़ा रही हूँ। अगर फिर भी तुम्हें लग रहा है कि मैंने तुम्हारे फियांसे और उसकी फैमिली के साथ कुछ गलत बिहेव किया है तो सॉरी, आई एम रियली सॉरी।
अंशुमन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो तानिया दी। अंशुमन मेरी बात तो सुन लो। दी क्या हुआ आपको, आप रो क्यों रहे हो? यू जस्ट वेट एंड वॉच। तानिया दी, दी आई एम रियली सॉरी, एक सेकंड। अंशु सॉरी क्यों और कब तक? अब तो जो काजल कहेगी वही करना पड़ेगा ना मुझे, तुम्हारी बीवी जो बनने जा रही है। मैं इस घर की बेटी हूँ और तुम बेटे हो, पर घर में राज तो तुम्हारी बीवी का ही चलेगा ना। मैं तो अच्छा सोच कर आई थी यहाँ, अपनी फैमिली समझ कर इन लोगों को गिफ्ट सिखाने आई थी। लेकिन मुझे क्या पता था ये लोग मेरी इंसल्ट कर देंगे ऐसे। बिन्ना जे तूने अच्छा नहीं किया ना, जे क्या तरीका हुआ अपने होने वाली ननन से बात करने का? घर आए मेहमान का अपमान नहीं करते, ये हमारे संस्कारों के खिलाफ है। हाँ काजल, अम्मा सही कह रही है, जा अंशुमन से बात कर, इस मामले को आगे बढ़ने मत दे। मत भूल कि अब तेरी सगाई हो गई उस परिवार के लड़के से, अब से तुझे तेरे हर शब्द पे ध्यान देना पड़ेगा। जा बात कर उससे, इस बात को आगे बढ़ने मत दे, खत्म कर दे इधर के इधर ही, ठीक है? जा जा। अंशु बात अब हद से आगे बढ़ चुकी है, अब मैं अपनी इंसल्ट और नहीं सहूंगी। लेट्स गो सोनिया। दी प्लीज, दी मेरी। अंशु मुझे कुछ नहीं सुनना है। दी आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए। दी प्लीज, दी एक बार बात तो सुनिए मेरी प्लीज। दी अंशुमन, काजल तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्यों हट गया तुमने तान्या दी को? और मेरी बहन ने ऐसा क्या कह दिया तुमसे कि तुम्हें इतना बुरा लग गया? दी हम यहाँ क्यों आए हैं? अब देखना, अब होगा असली ड्रामा शुरू। अंशुमन वो गिफ्ट्स के बारे में बेवजह का कंपैरिजन कर रही थी, उल्टी सीधी बातें कर रही थी। उल्टी सीधी बातें काजल तान्या दी नहीं, तुम कर रही हो। सुबह से देख रहा हूँ, सुबह से नोटिस कर रहा हूँ मैं तुम्हें। जब मैं रश्मि आंटी के लिए अच्छी सी साड़ी देखने गया था ना, तब भी तुम मुझे ध्यान दे रही थी कि जितनी लंबी चादर हो उतनी पैर फैलानी चाहिए, ऑल दैट रबिश। इतना गुरूर और घमंड किस बात का तुम्हें? तान्या दी के आंखों में आंसू आज पहली बार देखे मैंने, और वो भी तुम्हारी वजह से। आज उन्हें तुम्हारी वजह से रोना पड़ा है काजल। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम तान्या दी से, मेरी बहन से इतनी बदतमीजी से बात करो। एनीवेज तुम्हें क्यों समझा रहा हूं मैं, क्योंकि तुम्हारे समझ में कोई बात आने वाली है नहीं। तुम्हें समझाना मतलब अपने टाइम को और अपने एनर्जी को वेस्ट करना होता है। अंशुमन, अंशुमन मेरी बात तो सुनो। अंशुमन ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? अंशुमन, अंशुमन, अंशुमन रुको ना। मेरी बात सुनी ना, मुझे कुछ कहने का मौका दिया, बस चला गया। काजल, काजल चले थे। वेट वेट वेट, अरे यहाँ तो कुछ और ही सीन चल रहा है। क्या हो गया काजल? मैं तो तुझे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था यार। कोई जरूरत नहीं है, जिसे चुप कराना चाहिए था वो तो मुझे रुलाकर चला गया ना, बेवजह इतना कुछ सुनाकर चला गया, अकेला छोड़कर चला गया मुझे। तू भी चला जा काजल।
अकेला छोड़ दे मुझे तू। काजल मेरी बात सुन। काजल गुस्सा क्यों हो रही है रोचक से? गुस्सा हो रही है तो होने दो ना, हमारा काम तो हो ही गया है। काजल ऐसे कैसे अकेला छोड़ के चला जाऊं तुझे तेरे आंसू के साथ? काजल और अंशुमन, तूने आज काजल को इतना हर्ट कर दिया, क्या उसने अपने सच्चे दोस्त से भी अच्छे से बात नहीं की? अगर तूने काजल का दिल और दुखाया ना अंशुमन, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सच वो होता है जो साबित हो सके, और इन फोटो से वही साबित होगा जो हम चाहते हैं। वाओ दी, ये फोटोज तो अब आग ही लगा देंगी। आग तो तब लगेगी सोनिया जब ये फोटोज मैं सही टाइम पर अंशु को दिखाऊंगी और पूरा गेम चेंज कर दूंगी। अंशु और काजल की शादी होने से पहले ही टूट जाएगी। मेरे होते हुए वो मिडिल क्लास लड़की मेरे भाई की लाइफ पार्टनर कभी नहीं बन सकती है, कभी भी नहीं। आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम है ना, फिर आप यहां से जा सकती हैं। अंशु, आई स्वेयर मैंने काजल को कुछ भी गलत नहीं बोला है, मैं सही बात को बढ़ा रही हूं। चाहिए सब एक छोटा सा काम होता नहीं तुमसे? अगर काम आता नहीं है ना तो काम करने की कोई जरूरत नहीं है, दफा होने से। सोफा सिखा दिया है। क्या हुआ अंशु, काजल से झगड़ा हुआ? हाँ बुआ, मुझे काजल पे बहुत गुस्सा आ रहा है। आज उसकी वजह से तान्या दी की आंखों में मैंने पहली बार आंसू देखे। और वो सारा गुस्सा तुमने इस बेचारे गरीब नौकर पर उतार दिया, ये तो सही बात नहीं है ना अंशु? तो और क्या करूं मैं बुआ, 100 बार मैं उसे बता चुका हूँ कि प्रोटीन शेक को कैसे बनाना चाहिए, बना के दिखा भी चुका हूँ, लेकिन हर बार वो गलत ही बना के लेके आता है, तो और क्या करूं उसके साथ मैं? और तुमने भी ये जिद पकड़ रखी है कि प्रोटीन शेक वही बनाएगा, तो गलती तुम्हारी भी तो है ना? कमाल करिए आप बुआ, इसमें मेरी क्या गलती है? देखो अंशु, हर इंसान का बात समझने का, काम करने का एक दायरा होता है। अब मछली को कितने ही मौके क्यों ना दे दो, वो पेड़ चढ़ना तो नहीं सीख जाएगी ना। और वैसे भी जो इंसान सुधरना ही ना चाहता हो तो क्या कर सकते हैं? अब ऐसे में तो तुम बस अपने एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस कर सकते हो, या फिर क्या बुआ? या फिर उस इंसान को अपनी जिंदगी से निकाल दो। अलग कर दो उस इंसान को अपनी जिंदगी से जिसकी वजह से तुम इतना परेशान हो रहे हो। लेकिन ऐसे इन बेचारे नौकरों पर अपना गुस्सा निकालना, उनकी बेइज्जती करना, ये तो सही नहीं है ना अंशु? अभी सिर्फ तुम्हारी सगाई हुई है, काजल से तुम्हारी शादी होगी और फिर 2400 घंटे वो तुम्हारे साथ इसी घर में रहेगी, तो क्या तुम हर छोटी बात पर ऐसे ही गुस्सा होते रहोगे और अपने आप को परेशान करते रहोगे? फिर और क्या करूं मैं बुआ, आज काजल की वजह से तान्या दी की आंखों में मैंने पहली बार आंसू देखा, और इस बात को मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज काजल ने जनरली मुझे बहुत हर्ट किया है, तो उसे मैं इस बात के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। अंशु, ये सब अब जिंदगी में होता रहेगा, और इस सब को बैलेंस कैसे करना है ये तुम्हें सीखना पड़ेगा। देखो, बैलेंस रिश्तों में बहुत जरूरी होता है,
और तुम्हारी होने वाली बीवी और बहन के बीच के रिश्ते को भी बैलेंस तुम्ही को करना है। ये तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। अंशु, अपनी लाइफ में अपने अरमानों को, अपने जज्बात को बैलेंस करना सीखो। किससे कब क्या एक्सपेक्ट करना है, कितना एक्सपेक्ट करना है, कैसे एक्सपेक्ट करना है। यही तो स्मार्टनेस की निशानी है। जितना जल्दी तुम ये सीख लोगे उतना फायदे में रहोगे।